फिर से आप लोगों का जेएमसी क्लास में स्वागत है। अभी मैं फिर से आपको दो टॉपिक्स के बारे में जानकारी देने के लिए आया हूँ। ये हिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक्स हैं। इसमें आपको एक है महात्मा गांधी जी के द्वारा कौन कौन से आंदोलन चलाए गए, और दूसरा टॉपिक्स है आपका कि बाबर ने अपने जीवन काल में कौन कौन से प्रमुख युद्ध लड़े थे। ठीक है, तो ये दो टॉपिक्स हैं। चलते हैं हम पहले टॉपिक्स की ओर। महात्मा गांधी द्वारा संचालित आंदोलन कौन कौन है, तो उनके लिए मैंने एक ट्रिक लिखा है। अब देखिएगा आपको अच्छा लग रहा है, सुनने में कर्णप्रिया लग रहा है। कर्णप्रिया लगेगा तभी आपको याद रहेगा, इसलिए मैं कोशिश किया हूँ कर्णप्रिया लगे आपको। चलिए, गांधी जी चंपारण से खेरा गए तथा अहमदाबाद मिल के मजदूरों से खिलाफत करा के असहयोग कराए और नमक बनाकर अंग्रेजों से देश छुड़ाए। मतलब क्या, गांधी जी चंपारण से खेरा गए तथा अहमदाबाद मिल मजदूरों से खिलाफत करा के असहयोग कराया और नमक बनाकर अंग्रेजों से देश छुड़ाया। ये ट्रिक है। अब देखिए इसमें समझने वाली चीज क्या है। डे टू डे मैंने लिखा है, मतलब कब कौन सा आंदोलन इन्होंने स्टार्ट किया था उनके साथ मैंने यहाँ पर लिखा है। गांधी जी चंपारण में चंपारण सत्याग्रह किए थे 1917 ईस्वी में, उन्होंने किया था सबसे पहला, उनके लाइफ काल में सबसे पहला आंदोलन यही माना जाता है, जो कि भारत, पूरे भारत में अपने लाइफ का जीवन काल में भारत में उन्होंने सबसे पहला आंदोलन बिहार के चंपारण से किए थे। तो वो 1917 ईस्वी में उन्होंने किया था। फिर उसके बाद आते हैं खेरा गए तो खेरा भी 1917 में ही हो गए। 1917 में ही खेरा का आंदोलन भी उन्होंने कराया, तो खेरा सत्याग्रह इसका नाम पड़ा। फिर अगला है, नेक्स्ट टॉपिक से आपका अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन ये इन्होंने 1918 ईस्वी में करवाया। फिर उसके बाद खिलाफत आंदोलन इन्होंने 1920 ईस्वी में करवाया था। फिर उसके बाद आते हैं असहयोग आंदोलन जो करवाए इन्होंने, ये भी 1920 ईस्वी में ही कराए। फिर उसके बाद नमक बनाकर उस आंदोलन का एक दूसरा भी नाम था स्वविनय अवज्ञा आंदोलन। ये इन्होंने दोनों, नमक आंदोलन आपसे कभी एग्जाम में पूछा जाए या स्वविनय अवज्ञा आंदोलन पूछा जाए, तो इन्होंने 1930 ईस्वी में करवाया था। ठीक है, फिर उसके बाद अंग्रेजों से देश छुड़ाया, वो कब किए, तो वो 1942 ईस्वी में किए। 1942 ईस्वी में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन करे थे, ये तो आपको पता ही होगा। अब देखिए 1930 ईस्वी में इन्होंने नमक आंदोलन बनाया। तो ये प्रमुख टॉपिक से गांधी जी से रिलेटेड जितने भी आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं उन सारे के बारे में मैंने यहाँ पे अभी डिस्कशन किया है। अब नेक्स्ट टॉपिक से आपका बाबर के द्वारा भारत में प्रमुख घटनाक्रम कौन कौन थे। भारत में, याद रखिएगा, बाहर के नहीं, जो भारत में उन्होंने किया था, उसने जो भी भारत में किया था उसके जीवन काल के बारे में ये यहाँ पर दिया। 26 में पानी पिया, 27 में उन्होंने खाना खाया, 28 में चल दिया और 29 में घर गए और 30 में उन्होंने मर गए, मतलब 30 में उनकी मृत्यु हो गई। बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में हो गई थी। अब देखिए 26 में खाना खाए तो उन्होंने 26 में क्या खाना खाया था, तो 26 में पानी पिया, तो यानी पानी पीने का मतलब है पानीपत की लड़ाई कब हुई थी, 1526 ईस्वी में उन्होंने अपना युद्ध लड़ा था। वो किसके साथ लड़ा था, इब्राहिम लोदी के साथ 1526 ईस्वी में उन्होंने अपना भारत में पहला युद्ध लड़ा था। फिर उसके बाद 27 में खाना खाया, खाना खाने का मतलब है यहाँ पर 1527 ईस्वी में उन्होंने खानवा का युद्ध लड़ा। वो किसके साथ लड़ा, तो वो राणा सांगा के साथ लड़ा था। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। फिर 28 में वो चल दिए। 28 में चल कहाँ दिए, चल दिए का मतलब है 1528 ईस्वी में उन्होंने चंदेरी का युद्ध लड़ा था। 1528 ईस्वी में उन्होंने चंदेरी का युद्ध लड़ा था, वो मेदिनी राय के साथ लड़ा था।
29 में घर गए। अब घर का मतलब यहाँ पर है कि 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध हुआ था। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में हुआ था महमूद लोदी के बीच में, महमूद लोदी के बीच में। 30 में उन्होंने मर गए, यानी 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो जाती है। 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो जाती है। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये दोनों ही टॉपिक्स अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा बताने का ट्रिक्स समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ अपने पढ़ने वाले ग्रुप में जितने भी हैं पढ़ने वाले दोस्त लोग, उन सब के साथ शेयर करें एंड लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम लोग मोटिवेट होकर और नई नई चीज़ों के साथ मिलते रहें। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, जेएमसी क्लास में आपका स्वागत है। हमारा लक्ष्य आपको फ्री में एजुकेशन देना है और आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाना है। हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का टेस्ट सीरीज